प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ कविता भंडारी जी जुड़ी हुई हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, हमारे वेबिनार में अक्सर आती रहती हैं, पॉक्सो पॉस कारा की साइट को लेकर के कई बार उनसे बातचीत हुई। कविता जी, आपका कुछ इनपुट है इसके ऊपर तो आप रखना चाहेंगी? कविता भंडारी जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर चौबे। सभी को नमस्ते। आवाज आ रही है? जी देखिए, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में तो मेरा कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जे जे एक्ट को जब मैंने पढ़ा था तो ये सेक्शन 12 मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग और यूनिक लगा। तो सेक्शन 12 पर आज हमारी चर्चा है, तो मैं अपनी बात सिर्फ सेक्शन 12 के बारे में ही रखूंगी। इस सेक्शन को अगर हम देखें तो जो सबसे पहली यूनिक बात इसमें है वो है कि ये एक नॉन ऑब्स्टांटिक क्लॉज से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट प्रोविजन है। तो यहाँ सीआरपीसी या किसी और लॉ में क्या कहा गया है वो मैटर नहीं करता है। दूसरा, अगर हम इसको आगे पढ़ेंगे तो इसमें जो सब सेक्शन 1 है उसमें दो पार्ट्स हैं। तो पहले पार्ट में ये कहा गया है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द ऑफेंस बेल शैल बी ग्रांटेड। तो यहाँ पर बेल देने की बात की गई है, लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें एक्सेप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि डॉक्टर चौबे ने 3 एक्सेप्शंस बताए। अब ये जो एक्सेप्शंस हैं इनमें भी मैंडेटरी एप्लीकेशन का प्रोविजन है। मेरा कहने का मतलब ये है, आप फर्स्ट पार्ट अगर पढ़ेंगे तो लैंग्वेज में शैल वर्ड का यूज हुआ है, और जो प्रोविजो वाला पार्ट है, जो एक्सेप्शंस वाला पार्ट है, उसमें भी शैल वर्ड का यूज हुआ है। तो दोनों के साथ मैंडेटरी एप्लीकेशन को लगाया गया है। लेकिन लॉ में हमें ये सिखाया जाता है कि जब हम एक्सेप्शंस को इंटरप्रेट करते हैं तो वहां स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होता है। तो जब जेजेबी के सामने कोई केस आता है और वहां अगर ये जो 3 सिचुएशंस दिखाई देती हैं, तो वहां जेजेबी को ये देखना चाहिए कि सफिशियंट मटीरियल हो। सफिशियंट मटेरियल में यहाँ हम SIR या SBR या जो भी डॉक्यूमेंट सामने रखे गए हैं उन्हें देख सकते हैं, और उनके बेसिस पर अगर जेजेबी को लगता है कि इन 3 सिचुएशंस में कोई भी एक सिचुएशन वहां एग्जिस्ट करती है तो जेजेबी को बेल नहीं देनी है। तो यहाँ पर जो कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो हैं, एक तो रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग, और इसमें जो थर्ड एक्सेप्शन है उसमें है एंड्स ऑफ जस्टिस। तो एंड्स ऑफ जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ जनरली जो इंटरप्रिटेशन किया जाता है, और मैंने एक दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है कुछ सालों पहले का है, और ये आपको DCPCR की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, साइटेशन अभी मेरे पास नहीं अवेलेबल है, पर उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था कि यहाँ हम एंड्स ऑफ जस्टिस को बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट के संदर्भ में लेंगे। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर अपना अलग व्यू दिया है और उन्होंने ये कहा है कि एंड्स ऑफ जस्टिस का मतलब सिर्फ बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट देखना नहीं है, एंड्स ऑफ जस्टिस का मतलब होता है जस्टिस फॉर ऑल। और यही एक जनरल कॉन्सेप्ट लॉ में हमें सिखाया जाता है कि जब हम एंड्स ऑफ जस्टिस की बात करते हैं तो हम एक ओवरऑल न्याय की बात करते हैं। तो इसमें जस्टिस फॉर द अक्यूज्ड, जस्टिस फॉर द विक्टिम एंड जस्टिस फॉर द सोसाइटी एट लार्ज, ये तीनों हमें देखने होंगे। तो यहाँ पर तीनों का ही हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो जब भी जेजेबी के सामने इस तरह का केस आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये थर्ड एक्सेप्शन है उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। किसी केस में अगर फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस इस तरीके के हैं कि वहां जेजेबी इस तरह का रीजन ऑर्डर दे सके कि यहाँ पर एंड्स ऑफ जस्टिस को ध्यान में रखते हुए बेल डिनाई की जा रही है, तो ऐसा किया जाना चाहिए। तो यहाँ मैं इनफेक्ट एक सवाल पूछना चाहूंगी जो भी जेजेबी मेंबर्स हैं उनसे कि आप इसे कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, और क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा डिसीजन है कि आपके पास ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये एक सेटलमेंट के साथ एस्टैब्लिश हो गया है। तो ये एक मेरा पॉइंट था। वैसे जस्टिस फॉर ऑल की जब हम बात करते हैं तो इसमें जस्टिस फॉर द जुवेनाइल चाइल्ड यानी जो अक्यूज्ड है उसके रिफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को छोड़ देने से, उसकी इंडिविजुअल लिबर्टी उसे दे देने से या उसके साथ लीनियंसी का बर्ताव करने से उसका रिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो कभी कभी बच्चे को इमीडिएटली बेल दे देना हो सकता है उसके अपने बेस्ट इंटरेस्ट के अगेंस्ट चला जाए। तो ये जेजेबी को देखना होगा कि किसी पर्टिकुलर केस में किस तरह के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं
और जो भी मटेरियल सामने है वो मटेरियल इनफ मटेरियल होना चाहिए, यानी यहाँ पर आप जो जेजे भी है वो किसी गेस या किसी सस्पिशन के ऊपर काम नहीं कर सकती है, वो गेस वर्क नहीं होगा, वो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आधारित किया हुआ उसका अपना एक डिसीजन होगा। तो इसमें अगर थोड़ा टाइम लग सकता है तो ये जेजेबी का अपना डिस्क्रिशन होना चाहिए। बहुत जल्दबाजी इन केसेस में नहीं होनी चाहिए कि जैसे ही केस सामने आया और बेल दे दी गई, वहां अगर लग रहा है कि बच्चे को कुछ दिन सीसीआई में रखने की, उसकी काउंसलिंग करने की जरूरत है, तो ये डिस्क्रिशन जेजेबी का होना चाहिए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ये एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने एंड्स ऑफ जस्टिस को इंटरप्रीट किया है, वो आप सभी एक बार जरूर पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट आप चाहें तो उसके कुछ लाइंस मेरे पास हैं, मैं पढ़कर सुना सकती हूँ आपको। कविता जी, आप ये दोनों डिसीजन शेयर कर लीजिएगा, मैं हाँ कुछ जी, हाँ जी, शेयर कर दूंगा इस पर एक बार। हम हो सकता है हाँ। अगले सप्ताह फिर हम इस पर बात करें, तब एक तक कुछ पॉइंट और मैं प्रिपरेशन। रखना चाहूंगी, वो है सेक्शन 74 का। हम सबने जैसे बात करी कि पूरी सोसाइटी का फेल्योर है ये, तो यहाँ सबकी जिम्मेदारी तो है ही, साथ में जो मीडिया में रिपोर्टिंग हो रही है वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल तरीके से हो रही है। तो सेक्शन 74 जब ये कहता है कि बच्चे का नाम, बच्चे के पेरेंट्स का नाम, उसकी आइडेंटिटी आप रिवील नहीं कर सकते हैं, तो आप आज किसी भी चैनल को खोलकर देख लीजिए, हर चैनल पर बच्चे का नाम क्या, उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंडफादर, सबका नाम, सब कुछ रिवील किया जा रहा है। सो आई थिंक यहाँ पर जो मीडिया चैनल्स हैं, जो न्यूज चैनल्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें थोड़ा सा फिक्स करनी होगी और उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए अगर वो सेक्शन 74 को वायलेट कर रहे हैं तो। थैंक यू कविता जी। थैंक यू मीडिया सो मच फॉर ट्रायल गिविंग द अपॉर्चुनिटी। इस पूरी घटनाक्रम का एक बहुत बड़ा दुखद पहलू ये भी है कि मीडिया ट्रायल स्टार्ट हो गया था दूसरे दिन से ही, जो नहीं होना चाहिए थे। आखिरी में मैं इस पे आने वाला था, आपने ये बात कर दिया। अब हम, जैसे ही आपने कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की बात कही, तो निपुण जुड़े हुए थे हमारे साथ, अभी शायद निपुण लेफ्ट कर गए हैं। निपुण से बातचीत करके हम इस पे को हो सकता है अगले सप्ताह फिर कंटिन्यू करें। इसी क्रम में हमारे साथ नवीन सर जुड़े हुए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत लंबा अनुभव रखते हैं, बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते हैं, लॉ फील्ड के बच्चों को। तो उनसे हम इस पूरे कंक्लूडिंग, आज इस चर्चा को, हम समरी को कंक्लूड करें। तो नवीन सर, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? आने वाले 5 मिनट में आप अपनी बात रखें, उसके बाद हम धन्यवाद कृपा माननीय शंकर अध्यक्ष जी, जी धन्यवाद भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अक्षय कुमार जी, कृपा उनके शंकर तरफ मैं जी, चलूंगा। नवीन सर, ओवर टू यू। धन्यवाद कृपा शंकर जी। मुझे लगता है कि मेरी आवाज सभी के पास आ रही है। मैं कुछ कहना चाहता था पर कविता जी ने वो मेरी लाइनें शायद ले ली इंटरनेट पे जाके, मुझे लगता है। सबसे पहले तो मैं कविता जी, जो आपने बात कही एंड ऑफ जस्टिस की, उसी बारे में ना केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट बल्कि जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के भी एक रीसेंट जजमेंट थी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में कहा था। और जो फ्रेज आपने कोट करे कि जस्टिस मींस नॉट द जस्टिस फॉर वन, जस्टिस मींस जस्टिस फॉर ऑल, और सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क करते हुए इस पे कहा था, मैं उसका साइटेशन भूल गया, कि जस्ट द पर्सन हु इज डूइंग एनी एक्ट ऑफ क्राइम ही शुड नो दैट व्हाट इज His responsibility towards the society. That was the statement made by the Honorable Supreme Court in context of the juvenile case में एक rape का केस था जिसके अंदर बेल को deny कराया गया। सबसे पहले जैसे कि आज का टॉपिक है तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी, पर कानून जो एक विषय है, कानून सिर्फ अपनी सीमाओं से बंधा होता है। और जब हम कानून की बात करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा होना चाहिए। जैसे मुझे याद आता है कि जब मैं पढ़ाने जाता हूँ तो अक्सर ऑस्टिन का एक कोट मैं करता हूँ कि लॉ इज दी सॉवरीन, लॉ इज दी सोसाइटी, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरीन, एंड वायोलेशन ऑफ लॉ अट्रैक्ट द पनिशमेंट। तो अगर आप देखें जितने भी लॉ के जुरिस्ट हुए हैं या हम जो लॉ पढ़ते हैं, अगर हम लॉ को पेरीफेरी की, तभी लॉ की बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। जैसे कि मेरे प्रीवियस बहुत सारे स्पीकर्स ने कहा कि हमें पेरेंटल कंट्रोल करना चाहिए, सोसाइटी में चेंजेस होने चाहिए, ये जो होने चाहिए वाली बात है, लॉ उसे कैसे डिफाइन करेगा? अगर आप पेरेंटल कंट्रोल की बात करते हैं और हम अगर बैक फोर्स के अंदर जाएं तो पेरेंटल कंट्रोल जो है वो तभी संभव हो पाएगा जब हम उसके अंदर डिटरेंट पैदा करें, क्योंकि लॉ एक डिटरेंट आस्पेक्ट पे काम करता है। दो, हमारी जो पनिशमेंट थ्योरी है वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी के आसपास है।
जैसे आदरणीय पेपा चंचल जी ने बेल की बात करी, अगर आप बेल की बात करें, जैसे कविता जी ने कहा कि जो पहला फ्रेज है उसके अंदर जो वर्ड यूज हुआ है वो वर्ड यूज हुआ है शैल, और जब हम शैल को इंटरप्रेट करते हैं तो मैंडेटरी एस्पेक्ट देता है किसी भी लीगल प्रोविजन में। तो जैसे कृपा शंकर जी ने कहा कि हमें क्या चेंजेस सरकार को देने चाहिए, तो मेरा पहला ये है जो सेक्शन 12 है ये जो भी एक्ट का, उसके अंदर जो वर्ड शैल है उसको अमेंड करके इसके अंदर वर्ड मे यूज करना चाहिए, क्योंकि ये मैटर ऑफ राइट की तरफ नहीं जाएगा। अगर आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या वेरियस हाई कोर्ट के जजमेंट देखें या निर्भया केस के बाद अगर आप देखें, जो रिडक्शन ऑफ एज की बात हुई थी वो शायद इसीलिए हुई थी कि आप जो है वो मैंडेटरी एस्पेक्ट को ना देखकर सर्कमस्टेंशियल एस्पेक्ट को देखें, पहली बात। और दूसरी बात, जो निर्भया केस के बाद हुई थी उसके अंदर सोसाइटी के अंदर एक लार्जर चेंजेस भी ये हुआ, जैसे कि मैं एनसीईआरटी का भी डाटा पढ़ रहा था और द हिंदू का भी एक आर्टिकल था, उसके अंदर ये कहा था कि निर्भया केस के बाद जो जुवेनाइल के जो केसेस हुए उसके अंदर रैम्पेंट जो है बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब ये था जो सोसाइटी थी, जो क्रिमिनल सोसाइटी थी बेसिकली, जिसे हम अबेटमेंट के अंदर डिफाइन करते हैं, उन्होंने बच्चों को ऐसे टूल यूज करा कि बच्चे अगर क्राइम करेंगे तो 3 साल तक का जो ब्रैकेट है उसी का फॉल करेंगे और चले जाएंगे। इसीलिए अगर आपने देखा जो गुड़गांव का रेयन स्कूल का जो केस हुआ उसके अंदर हमारे बीच में जो चर्चा हुई, इसके अंदर एक रिजर्वेशन की बात करी, 16 साल की बात करी, पहली बात। दूसरी बात मैंने ये कहा, जैसे सारी लोगों ने ये बात कहा कि जो पेरेंट है उनको भी इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए, पर ये चाहिए शब्द तभी यूज हो पाएगा जब लॉ आपको उस बात के लिए बाइंड करता हो। अब लॉ कैसे बाइंड करेगा, तो उसके लिए भी हमारे पास लॉ के अंदर एक प्रिंसिपल है जिसे हम वेकेरियस लाइबिलिटी की तरह यूज करते हैं। तो वेकेरियस लाइबिलिटी का अगर हम प्रिंसिपल इसके अंदर भी यूज करेंगे, मुझे लगता है अपने सजेशंस में, कि अगर कोई बच्चा कोई ऑफेंस करता है और उस ऑफेंस की कैटेगरी को हम डिफाइन करते हैं जो हीनियस क्राइम्स हैं, जैसे दिल्ली के अंदर हीनियस क्राइम डबल हुए हैं 2022 में जो एनसीआरबी का डाटा है, तो उस वाले हीनियस क्राइम के अगर आसपास हम देखें तो उसके अंदर जो पेरेंट की विकेरियस लाइबिलिटी है उस विकेरियस लाइबिलिटी का भी पोर्शन जेजेबी एक्ट के अंदर आना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट एक और है, जैसे अभी लोगों ने मेरे कविता जी से पहले भी शायद किसी ने कहा था, शायद तिवारी जी ने कहा था, मुझे लगता है कि जब आप जेजेबी की बात करते हैं या सीडब्ल्यूसी की बात करते हैं, हो सकता है कि मेरे वर्ड हार्श हो, पर ये हार्श रियलिटी है कि उसके ऊपर भी उनके जो रिक्रूटमेंट है उसके अंदर एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं नजर आता है। तो मुझे लगता है जो उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको भी जो है इस प्रोसेस से, इस इन्फ्लुएंस से दूर करने के लिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जैसे उनके एग्जाम हो या कुछ और हो, या फिक्स क्राइटेरिया हो कुछ जिसके बेसिस पे जो वो इन्फ्लुएंस होता है, जैसे इस केस में भी शायद ये चर्चा चली थी तो वो ना हो पाए। और चौथी बात जो है, जैसे मैंने कहा कि सजेशन के उसमें है, अगर आप देखें जो एक मैंने पिछली अपनी चर्चाओं में भी कहा कि जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी बच्चे के प्रति या बच्चे द्वारा किए जा रहे अपराध में, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका यूनिफिकेशन ऑफ एज नहीं है। तो यूनिफिकेशन ऑफ एज अगर नहीं होगा, जैसे आप जेजेबी की बात करें तो उसमें एज ही डिफाइन नहीं है, आप लेबर की बात करें उसके अंदर कुछ और कहता है, आप आईपीसी की बात करें 7 साल 12 साल 15 साल की बात है। तो अगर आपको क्राइम को कंट्रोल करना है तो सबसे पहला जो है कि आप यूनिफिकेशन करें एज के ऊपर और अक्रॉस द लॉ जो है उसको सबको लेके आए। और एक बड़ी बात, मुझे ये लगता है कि जो हमने एज का क्राइटेरिया 18 साल रखा है, कुछ 18 साल को नीचे लाकर, जैसे कि शायद कई एक्सपर्ट ने बोला भी था, उसको नीचे लाकर 16 साल या उससे नीचे लाना चाहिए। मुझे लगता है 16 साल ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो जो मेंटल परिपक्वता है उस समय तक, क्योंकि आप मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिकता है, सोशल और बायोलॉजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं बच्चों के अंदर, तो उसके हिसाब से जो बच्चों की, जैसे हम क्राइम में कहते हैं मेंस रिया और एक्टस रिया, और इंटेंशन और विल जो है स्ट्रांग होती है, वो विल जो है उनके उसमें कहीं ना कहीं आ जाती है। और एक और बात जो इस लास्ट पॉइंट में रह गई, जैसे आज का जो टॉपिक है वो
मोटर व्हीकल एक्ट है, तो मुझे लगता है कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर भी ये प्रोविजन मैंडेटरी रूप से भी होना चाहिए कि पर फैमिली पर व्हीकल का जो कॉन्सेप्ट है जो हिंदुस्तान में बाद में चली थी उसको भी इसके अंदर लाना चाहिए, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर कि एक फैमिली में इससे ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, क्योंकि जब ज्यादा गाड़ियां होंगी तो आप उसे यूटिलाइज भी ज्यादा करेंगे। धन्यवाद के क्वेश्चन धन्यवाद के। नवीन सर, आपने बहुत अच्छी समरी रखी आखिरी में आते आते, और इसके लिए जो आपने बातें करी व्हीकल एक्ट में चेंजेस होने चाहिए, हम सारे सजेशंस नोट किए हैं, भेजेंगे इसको आगे चल के। हमारे साथ हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं, लंबे समय तक बच्चों के साथ जुड़े रहे हैं, कार्य किया आपने, मध्य प्रदेश SCPCR के चेयरमैन भी रहे हैं, तो आपने सारी चर्चा सुनी है, इस चर्चा में आगे बढ़े, आपका क्लोजिंग रिमार्क लें। इसके पहले हम इन पंक्तियों के साथ आप सभी का धन्यवाद और स्वागत करना चाहता हूं कि पांव पत्थर करके छोड़ेगी अगर रुक जाएंगे, चलते रहिए जमी भी हम सफर हो जाएगी, रास्ता जुगनुओं का साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। तो चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में जुगनुओं का साथ लेकर आप सभी का साथ लेकर के इस रात को रोशन करने का प्रयास कर रहा है, और उम्मीद है कि आप सब लोग जो जुड़े, आपने जो समय दिया, ये आपको पसंद आई होगी। ओवर टू यू है सर, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कृपाशंकर जी। मैं आज के ग्रेट डिस्कशन और ग्रेट पैनल को बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ। मुझे लगता है आज की जो चर्चा है और जिस सब्जेक्ट पर एक चर्चा हो रही है, जो रिलेवेंट भी है और तुरंत ताज़ा ताज़ा भी है। सामान्यतः समाज का स्वभाव होता है कि जब कोई घटना होती है तो बहुत उसके ऊपर हाइपर होते हैं और धीमे धीमे फिर वो चीज़ें उसके अपने व्यवहार में आ जाती हैं। जैसे मैं भी किसी एक्सपर्ट को सुन रहा था तो उसमें उन्होंने सुनते हुए मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ चीज़ें गलतियां हो जाती हैं, ऐसा इस तरह के कुछ शब्दों का उपयोग हो रहा है, तो मुझे घटना ध्यान में आती है कि सामान्यतः जो घटना जिसके साथ होती है, अगर किसी का एक बच्चा और उसके साथ वो घटना हो जाती है, उसकी तो दुनिया खत्म हो जाती है, और जिसकी दुनिया खत्म हो जाती है उसको पूरी दुनिया से उतना मतलब नहीं रहता अपनी दुनिया से था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर एक बच्चे को लेकर के, एक परिवार को लेकर के अगर कोई समस्या है तो वो सोसाइटी की समस्या, यह मान करके ही हमें विचार करना पड़ेगा। आज के इस डिस्कशन में आदरणीय अरविंद खुरानिया साहब, KD मिश्रा जी, सुचिता सेन जी, जो अलग अलग राज्यों से, नवीन सर ने जो आज कंक्लूडिंग रिमार्क दिया है हम सबके लिए, चतुर्वेदी साहब झारखंड से, अलका जी, विपिन जी, तिवारी जी, सालिनी जी, बिमला जी, चंद्रशेखर जी, मैं सबको देख रहा था कि लग रहा था कि मिनी भारत यहाँ बैठा हुआ है। और वास्तव में किसी विषय पर अगर मिनी भारत कोई चर्चा करता है तो वो चर्चा सार्थक और सफल परिणामों की तरफ जाती है। मुझे लगता है आज का डिस्कशन समाज को एक दिशा देगा, और समाज को एक दिशा देने के साथ साथ में हमारे उन सारी चीजों का हमने रिवीजन किया है जो हम पुराने समय में देखें तो आज से सामाजिक व्यवस्था में 100, 200, 500, 1000 साल पहले भी जिन टूल का हम उपयोग करते थे, आज भी करते हैं या आगे भविष्य में करेंगे, इन सारे टूल पर चर्चा हुई है। अगर मैं कहूं हमारे यहाँ पुराने समय में कहा जाता ना राजा न राज्यम, न राज्यम न चा राजासीत, न दंडो न चा दंडिकाः, स्वमेव प्रजा सर्वा रक्षति स्वमेव परस्परा। जो हमारे यहाँ यह व्यवस्था थी, जहाँ राज जब दंड देने की प्रथा नहीं थी, राजा नहीं था, तब भी समाज में एक स्वयं की एक प्रक्रिया चलती थी जिसके आधार पर अच्छा बुरा सही गलत निर्णय दंड उसके सारे प्रावधान हुआ करते थे। तो ये समाज मूलतः इस स्वभाव की तरफ जाने की आवश्यकता है, या मूल स्वभाव समाज का यह है। लेकिन समय काल परिस्थितियां बदलती गई, और जो बदलती हुई परिस्थितियों में हमने कुछ चीजों को एक्सेप्ट किया है और उसके कुछ हमें परिणाम दुष्परिणाम दोनों हमारे सामने आए हैं। जैसे मैं कहूं कि अगर बच्चे, जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं, वो टोटल आबादी का 41% होते हैं। अब 41% बच्चों के लिए हम कितना समय, कितनी एनर्जी, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारी सरकार उस पर चिंतन और मंथन में लगाती है, यह भी सोचने की आवश्यकता है। और वो एक ऐसा वर्ग है जो अपना भला बुरा नहीं जानता, उसको कई बार तो यह मालूम नहीं होता मैं जो काम या जो गलती करने जा रहा हूं उसका परिणाम किस सोसाइटी पर, उस पर कितना भयावह होने वाला है। और दूसरा इसका एक पूरे डिस्कशन में विषय आया है, वो ये आया है कि कई बार या अब बड़ी संख्या में इनको टूल के रूप में उपयोग किया जाने लगा है। लोगों को लगता है सजा के प्रावधान कम हैं, वो भी भला बुरा नहीं समझता है, उम्र इस तरह की है इसलिए इसको टूल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो वास्तव में उम्र के अनुसार,
समय के अनुसार, कानून, सजा, उम्र के प्रावधानों में विचार करने की आवश्यकता है, और ये सारी के सारे निर्णय, सारी की सारी व्यवस्थाएं परिस्थिति जन्य होंगी। यह केवल आज चर्चा हो रही ऐसा नहीं है। अगर पुराने समय में हम देखें, बृहस्पति से लेके याग्वल, कांट और अरस्तु के भी, अगर हम जो उन्होंने कानून के बारे में कहा गया है उनको भी अध्ययन करते हैं, तो इन्हीं सारी बातों को इंगित करते हैं। और कानून की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन तो हम सुनते ही हमेशा, जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाई। तो हमें ये सारी चीजें समझना पड़ेंगी। कानून के बड़े बड़े जानकारों ने जो कानून के बारे में टिप्पणियां की हैं, वो भी एक बहुत ही विशेष होती हैं। मैं कई बार सुनता हूं, या मैंने कुछ पुरानी कहावतों में या किसी के सुनते हैं, जिसने बोला कि कानून एक ऐसा मकड़ जाल है जिसमें छोटे छोटे कीट पतंगे तो फंस के मर जाते हैं, बड़े बड़े टिड्डे तोड़कर निकल जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको समय के अनुसार विचार करने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है आज का हमारा जो वेबिनार है वह यही विचार श्रृंखला में एक बहुत बड़े पायदान के रूप में होगा, और आने वाले समय में हमारा आज के वेबिनार से चर्चा, जो डिस्कशन, जो जिस्ट निकलेगा, वो उचित जगह पर पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे, और पहुंचाने के साथ साथ हम जो व्यक्ति जिस व्यवस्था में बैठा है वो वहां बैठ करके जिस व्यवस्था में खड़ा है, जहां उसके अपना होल्ड है, वहां इस पर काम करना चाहिए, यह भी आवश्यकता है। एक बहुत अच्छा एक विषय भी निकला है इसमें से, कि अगर कोई बच्चों की ड्राइविंग के विषय में आया कि अगर उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है तो अथॉरिटी को पता नहीं होता है, और वैसे तो बच्चों का लाइसेंस बनता नहीं उस उम्र तक, लेकिन अगर नहीं बनेगा इस तरह की चीजें, तो मुझे लगता है जैसे अगर कोई पॉक्सो का केस होता है, इसमें 24 घंटे के अंदर में हमको पुलिस को सूचना देना पड़ती है, CWC को सूचना देना पड़ती है पुलिस को, ऐसा ही कोई प्रावधान होना चाहिए कि इस तरह के अगर कोई डिसीजन हुए हैं, किस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो संबंधित विभागों को एक टाइम लिमिट के अंदर सूचना जाना चाहिए। इस पर भी स्थानीय सरकारों को भी और केंद्र सरकार को भी हम लोग इस पर प्रयास करके कुछ ना कुछ अपने नोट और ये भेजेंगे। मैं आज के इस वेबिनार में पधारे हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आदरणीय नवीन जी, और जो लोग बीच बीच में कविता भंडारी जी को हम देखते हैं हमारे इस वेबिनार में मार्गदर्शन के लिए हमेशा आती रहती हैं। मैं इसे सभी पैनलिस्ट को, एक रिच पैनलिस्ट को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत बधाई और शुभकामना आदरणीय कृपा शंकर जी को देता हूं, कि जिन्होंने श्रृंखला को इतना अच्छी तरह से चला रहे हैं। मुझे लगता है दुनिया के अंदर सबसे लंबा चलने वाले वेबिनार, और वेबिनार में विशेष रूप से उनके लिए वेबिनार जिनके लिए आवश्यकता है, जो सरकारों से भी अछूते रह जाते हैं, समाज भी उन पर ध्यान नहीं देता है, तो इस तरह के वर्ग के लिए जो कृपा शंकर जी ने मुहिम चलाई है, कृपा शंकर जी इसके लिए बहुत बहुत आपके लिए बधाई और धन्यवाद। इस मुहिम को आगे चलाते रहें, आप सभी का आभार, और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कृपा शंकर जी आपको और आगे की कार्यवाही शुरू कीजिए। जी धन्यवाद भाई साहब, क्योंकि ऑलरेडी हम लगभग 1.5 घंटे चर्चा कर चुके हैं, 1 घंटे के वेबिनार, 1 या 2 प्रश्न हम लेंगे। ओंकार जी ने हैंड रेज किया, अपनी बात रखें, 1 या 2 प्रश्न हम लेंगे आज बस। ओंकार नाथ जी अपनी बात रखें। कृपा शंकर जी, मेरा मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बस मैं 2-3 बातें जल्दी से आपको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा, क्योंकि पैनल में बैठे हुए तमाम सारे विद्वानों ने इस बात का उल्लेख किया है। वो ये है कि परिवार आधारित बालकों का देखरेख और संरक्षण, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात आई है कि जागरूकता पैदा की जानी चाहिए, माध्यम चाहे जो भी हो जी। तीसरी बात आयु के संदर्भ में आई है। मैं मुख्य रूप से 2-3 बातों पर ही बात करूं, कानून की पंक्तियों पर जाने का प्रयास मेरा बिल्कुल नहीं है। पहली बात यहाँ पर यह है कि परिवार नाम की इकाई अगर आपके पास अस्तित्व में है, जैसा परिवार की अपेक्षा की जाती है, तो आप विचार कर लें, बच्चों के साथ जिस प्रकार का इमोशनल एब्यूज हो रहा है परिवार के भीतर, उसके तमाम सारे कारण हैं, उसका उल्लेख मैं नहीं करना चाहूंगा क्योंकि समय नहीं हमारे पास है। आप खुद महसूस करें कि आपने अपने बच्चे के साथ कितना इमोशनल अब्यूज किया है, उसका पैमाना अगर मैं आपके सामने रखूंगा तो आपके पांव के नीचे एक धरती खिसक जाएगी। बच्चे परिवार में ही इमोशनली अब्यूज्ड हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है, और आप खुद महसूस कर लीजिएगा। नंबर 1। नंबर 2 कि जब जिस प्रकार के समाज का आयाम बन रहा है, आप विरोधाभास नहीं चलेगा, आप बिल्कुल ईमानदारी की बात करिए ना। आप एक तरफ बात करेंगे लड़के बहुत एडवांस हो चुके हैं, उनकी मेधा शक्ति बहुत अच्छी हो चुकी है, वो काफी आगे जा चुके हैं, तो भाई क्यों आप एज को आगे नहीं बढ़ाने की कोशिश करें, क्यों आगे बढ़ाने का तर्क दे रहे हो आप? अगर आपका लड़का 12 वर्ष की उम्र में परिपक्व हो चुका है, आपसे अधिक समझदार हो चुका है, तो घटाओ ना एज को, क्या दिक्कत है?
तो दोनों नहीं चलेगा। ये बहुत खराब आर्गुमेंट है कि लड़के बहुत उनका आईक्यू लेवल बहुत ऊंचा हो चुका है, बहुत परिपक्व हो चुके हैं, तो आप नीचे आइए। नंबर टू, नंबर थ्री, जागरूकता के मामले में एक्ट साफ साफ कहता है और तमाम सारी संस्थाएं जो बैठी हुई हैं एनसीपीआर से एनसीपीसीआर से लेकर के जे जे बोर्ड हो, सीडब्ल्यूसी हो, एसजेपीयू हो, पुलिस के लोग हो, पब्लिक सोसाइटी हो, साफ साफ लिखा हुआ है कि अवेयरनेस बिल्डिंग होनी चाहिए। बट किसकी होनी चाहिए, किसकी अवेयरनेस बिल्डिंग होनी चाहिए, कौन अवेयरनेस बिल्डिंग कराएगा? तो परिवार आधारित अगर बच्चे के बारे में आप कल्पना नहीं करेंगे तो इस कानून को आप ये मान के चलिए कि कानून के तकनीकी पहलुओं को लागू करने में आप बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे रहेंगे। मेरा अंतिम सुझाव आपको यह है, या मेरी बात अपनी ये है कि हम चाहे जो भी सुझाव दें, परिवार का जो दायित्व है ये सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। इसको कानून भी मानता है, आपका एक्ट मानता है, आपकी सीआरसी मानती है, सब कुछ मानता है, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहूंगा। लेकिन क्या परिवार नाम की संस्था आज है जिस रूप में बच्चे का विकास हो सके, जो परिवार की आवश्यकता है, अपेक्षाएं हैं, इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि परिवार टूट चुका है, परिवार नाम की इकाई बिल्कुल नहीं है, बच्चे से जो अपेक्षा है बहुत ज्यादा है, बच्चे पर मानसिक दबाव है, इन दबाव के तमाम सारे कारण है, आप जानते होंगे। अभी किसी ने उल्लेख किया अंक आधारित जीवन, न्यूमेरिक्स में बच्चा चल रहा है 99 से कम पर, अगर उसका अंक आता है तो आप खुद उस बच्चे को नकार देते हो। भाई आप मौका दो ना कि वो खिलाड़ी बनेगा, वो गायक बनेगा, वो लेखक बनेगा, वो वक्ता बनेगा। आप इस बात को, मैं इतना ही आपसे कहना चाह रहा था कि कानून पे जोर कम करके परिवार नाम की संस्था को विकसित करने का प्रयास अगर हम कर सकते हो तो मैं समझता हूँ कि बच्चे का कल्याण हम लोग ठीक से कर ले जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है जी जी जी। काफी लोगों ने हैंड रेज किया है, प्रयास करूंगा शॉर्ट में थोड़ी हम बात रखेंगे तो मैं सबकी बात ले पाऊंगा। कविता जी अपनी बात रखें। तो ठीक होता है अपनी बात को। सर बस एक बात मैं कहूंगी कि जेजे एक्ट में जो बेल का प्रोविजन है उसकी स्पेशल बात ये है कि बेलेबल ऑफेंस में भी बेल डिनाई की जा सकती है, जबकि ऐसा एडल्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में नहीं होता। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि जेजे एक्ट एक ऐसा लॉ है जिसमें सिर्फ वेलफेयर की बात नहीं की गई है, यहाँ पर बच्चे को रिफॉर्म करने की बात की गई है, एंड रिफॉर्मेशन इंक्लूड्स अ लिटिल बिट ऑफ रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन टू सम एक्सटेंड इज आल्सो देयर। तो यहाँ अगर कोई सीएनसीपी या सीसीएल किसी भी फॉर्म में कोई बच्चा अगर जेजे सिस्टम में एंटर कर रहा है, इसका मतलब है कि उसकी जो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन है, जो वहां जो पहले फैमिली में है या उसकी कम्युनिटी में है, सोसाइटी में, वहां कुछ तो गलत है। तो अगर वो जेजे सिस्टम में आया है तो फिर उसका भी हक बनता है कि जेजे सिस्टम पूरी तरीके से उसे सुपरवाइज करे। तो यहाँ पर अगर किसी भी सिचुएशन में जेजेबी को लग रहा है कि इन तीन सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर बेल को डिनाई करना है तो आई थिंक बेल डिनाई की जानी चाहिए। जी मैम, थैंक यू। शालिनी मैम ने हैंड रेज किया, शालिनी शर्मा जी अपनी बात रखें। जी सर, मैं यही कहना चाह रही थी, जब आप कह रहे हैं कि सुझाव लाने चाहिए तो सर कहीं ना कहीं जो मीडिया की इंटरवेंशन है हर केसेस में सर, वो भी चेक होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चों के लिए किए गए अपराध हैं उनके लिए गुस्सा या प्रतिशोध समाज में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है सर। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब ऑफेंसेस टेक्स ओवर ऑफेंडर तो कहीं ना कहीं जो जुडिशरी का डिलीवरी सिस्टम होता है सर वो इफेक्ट कर जाता है, कि जब ऑफेंडर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ऑफेंस उससे हल्का पड़ जाता है। थैंक यू जी। अब ब्रजेश गुप्ता जी बिहार से जुड़े हैं, अपनी बात रखें सर। सभी को प्रणाम, मेरा दो सुझाव है। आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है। कि जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के, जो किशोर से संबंधित मामलों को देखते हैं, उनको नैतिक होने की जरूरत है। और हम एक तिहाई आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक ही सोशल वर्कर पूरे जिले को संभालता है, एक ही आउटरीच वर्कर पूरे जिले को संभालता है, तो कहाँ से न्याय कर पाएगा बच्चों के साथ? तो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने की जरूरत है। सीडब्ल्यूसी और जेजेबी खुद ही सीएनसीपी बना हुआ है, आप कहना चाहते हैं? जी चलिए जी, अल्पना जी अपनी बात रखें। अल्पना मित्तल जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं कहूंगी बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर बातचीत हुई तो सही, कम से कम माना कि किसी हादसे के होने के बाद। और ये कुछ एक परंपरा सी बन गई है
कि जब कोई हादसा हो जाता है तब हम बहुत बड़ी बड़ी बहस करते हैं, और बिल्कुल सही कहा था कृपा शंकर जी आपने भी कि कुछ दिन के बाद वो सारी चीजें बिल्कुल धीरे धीरे हमारी लाइफ में आ जाती हैं। मैं यहाँ पे दो चीजों के, मैं जैसे एक वक्ता बहुत अच्छे बोला चंद्रशेखर जी, उनकी बात से भी सहमत हूँ, और कविता जी ने जो अभी बेल वाली बात बताई है वो भी होनी चाहिए सर, क्योंकि मैं खुद आरटीओ डिपार्टमेंट से जुड़ के अवेयरनेस का वर्क करती हूँ और सड़क सुरक्षा जो अभियान है उससे जुड़ी हुई हूँ, नितिन गडकरी जी के जो परिवहन मंत्रालय है उससे जुड़कर सड़क सुरक्षा के लिए अवेयरनेस का काम करती हूँ। तो मैंने इस चीज में देखा है हम लोग क्या करते थे कि वीक, और आपको पहली बार शायद पता हो कि अभी जो 2024 में पूरा एक महीना सेलिब्रेट किया गया इसको लेकर अवेयरनेस के लिए, तो वहां पे जो बात आती है घूम फिर के पूरी की पूरी, जो आप लोगों ने सबने इतने माननीय सबने जागरूकता दी हम लोगों को, एज CWC मेंबर रहते हुए भी मैंने इस चीज को देखा है कि कहीं ना कहीं परिवार जो है वो इसमें पिछड़ जाता है, हम नहीं बिल्कुल भी बच्चों को देते। और एक बात कही सभी लोग जो काफी लोग अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं जी, मैं कहूंगी 18 से 16 साल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए उम्र, बल्कि जो कानून बना है उसका सख्ती से पालन होना चाहिए, क्योंकि अब जो ई व्हीकल आ गए हैं, गियरलेस स्कूटीज आ गई हैं, उन सबके लिए तो आपको लाइसेंस की जरूरत ही नहीं है, तो फिर आप कैसे उसकी उम्र को डिसाइड करेंगे वहां पर। और केवल 16 साल का ही बच्चा नहीं, क्योंकि ये 17 साल 8 महीने का है, तो हम यहाँ उम्र की बात कर रहे हैं सर, 6 साल 7 साल और 8 साल के बच्चे स्कूटी चला रहे हैं जिनके पैर भी नहीं पहुंचते, और पेरेंट्स बड़ा प्राउड फील करके ये कहते हैं कि हाँ मेरा बच्चा गाड़ी चला रहा है, मेरा बच्चा स्कूटी चला रहा है। और जब हम रोड पे अवेयरनेस के लिए खड़े होते हैं तो सर आप बिलीव करेंगे जो हमारे एडल्ट्स हैं उन्हें ही रूल्स नहीं पता, सीट बेल्ट नहीं पता। जब स्कूल कॉलेजेस में हम अवेयरनेस के लिए जाते हैं वहां पे, तो हम देखते हैं कि हम बच्चों के से तो बात कर ही रहे हैं, स्टूडेंट्स से बात कर रहे होते हैं, जब बालिग और नाबालिग दोनों तरह के बच्चों से हम बात करते हैं, वहां हम जब उनके टीचर्स से बात करते हैं कि आप लोग स्कूटी से आ रहे हैं बाइक से आ रहे हैं, कितने लोग हेलमेट यूज कर रहे हैं, तो 90% निकलता है कि टीचर्स ही हेलमेट नहीं यूज कर रहे होते हैं। तो बच्चों के लिए हम जब अगर कोई उदाहरण बनना चाहते हैं तो सर मैं कहूंगी सबसे पहले हमें खुद बनना पड़ेगा जी। हमें खुद उन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा कि जो रूल्स बनाए गए हैं क्या वो रूल तोड़ने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि पैसा और ताकत इन दोनों को यूज करके जो आजकल जो हो रहा है या ये हादसे जो बढ़ रहे हैं उनका सबसे बड़ा कारण है पैसे और कानून का मिसयूज। अगर बहुत अच्छी बात कही उस पर भी कभी